ये नारे लग रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी में राधा नाम गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है, ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। वहीं भक्त माथे पर तिलक किए राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा नगर निगम के मेयर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। मुख्य आयोजन हमारा जुबली पार्क मुक्त आकाशीय रंगमंच पर होने जा रहा है, और जो इस भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा। पूरे मार्ग की भव्य और दिव्य रोशनी सजावट की जा रही है। सभी चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजारों में सांस्कृतिक टोलियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं, और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाए, ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि आज के खास दिन के लिए उनकी क्या तैयारी है, जिससे यहां आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। उन सभी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा, उनको सुखद एहसास हो ठाकुर जी के दर्शन का, इसके लिए निगम का जो मुख्य काम है स्वच्छता, पानी की उपलब्धता, और इसके अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था, सजावट, तो इसके लिए हमने स्वच्छता के लिए 200 मीटर की बीट पर एक सफाई कर्मी निश्चित किया है। उसके ऊपर 3 लेयर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन की व्यवस्था की है। रेनबो सिटी हमने बनाए हैं सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ लगभग 100 भंडारे आयोजित किए लगाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा, उन सभी को सिंगल विंडो के द्वारा परमिशन अब की बार दी गई है, और प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाईकर्मी रहेंगे हर समय, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं, और सभी भंडारा संचालकों को से आग्रह किया गया है कि वह निरंतर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहें माइक के माध्यम से कि कहीं भी श्रद्धालु गंदगी ना फैलाएं, वो डस्टबिन अपने भंडारे के आसपास रखेंगे। हाँ, घाटों के ऊपर भी प्रकाश की व्यवस्था, सभी घाटों के ऊपर भव्य और दिव्य प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी रोशनी से भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जगमगाएगा। रैन बसेरों के माध्यम से यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों के लिए हमने व्यवस्था की है। जूता घर बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि वह जब जाएं तो अपना जूता चप्पल सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। खोया पाया कैंप बनाए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ विलेज इंडिया, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।